रहे हैं शिमला के, जो शिमला का सबसे ऊपर टॉप है, 9,500 फीट का है सी लेवल से, 9,500। फाइनली यार गाड़ी के अंदर आने के बाद में तसल्ली हुई है, क्योंकि लाइक हाथों की कुल्फी जम गई थी। मेरे कानों में तो इतनी ठंड नहीं लगती, मेरे जो भी हेड वाला जो पार्ट है उसमें तो इतना मुझे महसूस नहीं होता ठंडी का, बट हाथों की लग गई सीरियसली। चलने अभी भैया तो सेकंड स्टॉप अभी मतलब आगे का स्टॉप कौन सा है? बस मंदिर है, जाकू टेंपल। कौन सा टेंपल है? जाकू टेंपल। जाकू टेंपल अच्छा, हनुमान जी का जाकू टेंपल है नेक्स्ट स्टॉप। ओके ऑल राइट, सो वहां पे पहुंचने से पहले रास्ते में एक बड़ा सही सीन दिखा। लुक एट दिस मैन, दिस इज योर शिमला। एक ही चीज का दुख हो रहा कि मेरा DSLR यार स्विच ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, मैं फोन से मैं ट्राई करूंगा एंड GoPro में चार्ज कर रहा है, ट्राई करता हूँ GoPro से, अगर फोटो अगर अच्छी आ गई तो जरूर अपलोड करूंगा। रेस्ट इज यार अभी आप ऐसे ही देख लो, एंड इस फोन का बैक कैमरा खराब है तो अमित के फोन से मैं ट्राई करूंगा, अगर कोई अच्छा सा अगर वो आ जाता है वीडियो या फिर जो भी फोटो अगर अच्छी आ जाती है तो वो भी मैं इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करूंगा, एंड वीडियो अगर आती है अच्छी तो मैं ब्लॉग में तो डालूंगा। ये ऑब्वियस सी बात है, वो यार इतना बड़ा कंटेंट थोड़ी ना छोड़ सकता। ओके सो हमारे ड्राइवर भैया ने एक और नई चीज बताई, इस जगह का नाम क्या है? संजौली। और जो आपकी फेमस बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है प्रीति जिंटा, वो यहीं की है। ओ इधर से टॉप पे जाना है। ओके यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, आई होप कि यार ऊपर जाकर के और अच्छा व्यू मिलेगा। और अमित को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमें भी शायद लगेगी, तो हम अपनी ना ना भाई तू तो सुपरमैन है, क्या बात कर रहा भाई, थैंक यू, ताली दे इसी बात पे। बाकी जैकेट पड़ी है आराम से यार, पहनने का कोई इशू नहीं है। भैया हमें एकदम टॉप पे लेकर के जा रहे हैं शिमला के, जो शिमला का सबसे ऊपर टॉप है, 9,500 फीट का है सी लेवल से, 9,500 फीट, समझ रहे हो। एंड आई थिंक ये वाला टॉप जो नॉर्मल रहता है वो कितना, 6,000 के आसपास रहता है ना? कौन सा? जो नॉर्मल जैसे नीचे बस स्टैंड वगैरह जो भी एरिया है, 6,500-7,000, मतलब 2,000 फीट का पूरा, मतलब समझ रहे हो भाई, फाड़ मजा आने वाला है वहां से व्यू देखना तो बनता है। व्यू हाँ, द व्यू पॉइंट ऑफ शिमला होगा वो, कैसे बोलूं, एकदम स्टीप चढ़ाई है। और भैया को दादे नहीं बनती यार की, लाइक हेड्स ऑफ है भैया को कि इतनी स्टीप चढ़ाई पे वो धड़ाधड़ गाड़ी चढ़ाई जा रहे हैं। देखो ये हिसाब है, और एकदम स्टीप चढ़ाई है, मतलब लाइक पहले तो नॉर्मल चलते आए जैसे नॉर्मल रोड है, उसके बाद जैसे मुड़े ना तो उसके बाद एकदम ऐसी चढ़ाई। तो अभी हमें यहाँ से हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा, अराउंड 5 मिनट का रास्ता है। इस टाइम पे यहाँ पे 2 डिग्री है एंड वो भी ड्रॉप हो रहा है। सोच रहे यार एकदम अचानक से हाई लेवल रेज किया है एंड 2 डिग्री है यार, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, लेट्स गो। अबे इतनी सीढ़ियाँ तो कभी नहीं चढ़ी भाई, इतनी इंक्लाइंड, शिट मैन। अब देख सकते हो तो वो जो गाड़ी खड़ी है ना, लाइक ये वाली गाड़ी, वहां से पूरा सीढ़ियां चढ़ के आए हैं। अमित क्या हुआ? चलो थोड़ा सा और रह गया। एंड वी आर हियर, अभी एक्चुअली मैं कैफे के पास आए, कैफे के उस साइड जाने के बाद, कैफे के उस साइड में मंदिर है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मैं भाग के आया हूँ, और काफी इंक्लाइंड थी सीढ़ियां। शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है, हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, यस। ओके यहाँ नीचे एक रेस्टोरेंट था, वो शिमला का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, मैं ट्राई करूंगा यहाँ के नीचे, यहाँ के जाने के बाद में कुछ ना कुछ वहाँ पे खाने का। एंड सच्ची में यार फट के हाथ मारे, एकदम ठंड में लग गई है, बट मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यही तो एडवेंचर होता है ऐसे प्लेसेस पे जाने का, लेट्स गो। गाइस सो दर्शन कंप्लीट हुए, एंड यहाँ पर मैं जो शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार पवित्र प्लेस है, एंड ये जो ये वो जगह है जहाँ पे यार एकदम शांति मिलती है आकर के आपको, ये धर्मस्थल है, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ से निकलते हैं हम लोग। एंड इसके लिए तो हेड्स ऑफ है इंजीनियरिंग टीम को जिन्होंने यहाँ पर ये बनाया, उन्होंने ये पॉसिबल किया कि ये यहाँ पर बन सकता है, सो हेड्स ऑफ। एंड आई विल शो यू सम क्लिप्स विच आई शॉट, जस्ट अ सेकंड।
और ये देखो क्या सही, ओ माय गॉड, चल चल चल, बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड 6 डिग्री से टेम्परेचर तो डाउन होता ही जा रहा है क्योंकि इतने ऊपर, बट लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, ऐसे करके पूरी मूर्ति आ पाएगी मुश्किल से, सीरियसली। और ये पूरा इतने ऊपर खड़ी है मूर्ति एंड इसके आसपास में मैं आपको ट्राई करता हूँ, बट यार बंदर है, मुझे बहुत डर लगता है। ओ फक, इट्स नेक्स्ट टाइम। सो ये भी जो हाईएस्ट पीक पे है ना वहीं पे है, जैसे मंदिर से निकलोगे एक तो नीचे कैफे, कैफे नहीं है मंदिर के जस्ट बराबर में, यहाँ पे स्नैक्स का है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। हैविंग ब्रेड पकौड़ा एंड टी, सेम देयर डन। ओके गाइस, सो इट्स डन फ्रॉम हेयर एंड राइट नाउ वी आर लिविंग टूवर्ड्स आई थिंक माल रोड, या एंड ये है तुम्हारा शिमला का सबसे हाईएस्ट कैफे। ओके गाइस, सो सीन अभी ये है कि हमें जो नियरेस्ट पॉइंट है माल रोड जाने के लिए अराउंड 5 से 7 मिनट लगेंगे पहुंचने में वहां से, अब यहां से मुझे पैदल जाना पड़ेगा तो माल रोड के लिए, क्यों यहाँ पे गाड़ी ने मुझे पीछे छोड़ दिया था। नहीं गाड़ी एक्चुअली में जाती है, ये गाड़ियां आ रही हैं बट उसने उतार दिया, बट हाँ थोड़ा सामने तक ही जाती है। शिमला कुछ अच्छा दिखेगा रात को, ऐसी उम्मीद है मुझे, लेट्स सी ये उम्मीद में कहाँ तक खरा उतरता है हमारी। सच्ची में यार ड्राइवर ने हमारा चूतिया काट दिया साले ने, आरामी था, एकदम स्टीप चढ़ाई चढ़ करके आ रहे हैं, तो आधा घंटा हो गया हमें चढ़ते हुए, कैमरे में नहीं लगता है बट बहुत स्टीप है, बहुत ज्यादा स्टीप है। ओके गाइस, सो अभी हम लोग हैं वुडन मार्केट में जो माल रोड पे ही आती है, पड़ती है, अगर आपको वुडन का कोई भी माल चाहिए, बट वुडन के उसमें एक ही चीज है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से सारे सारे गिफ्ट वाला माल है कि लाइक इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन एनीथिंग लाइक यू नो जो थोड़ी सी अच्छी दिखे तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा है, कपड़े अच्छे मिलते हैं, शॉल वगैरह जो भी अच्छी हैं जो आप अपनी मम्मी अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बहन किसी के लिए भी ले सकते हो अच्छी हैं वो ले सकते हो। एंड अभी हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में प्रॉपर माल रोड पर आ गए हैं, अभी अभी माल रोड मैंने पूरा घूमा है, ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि यार कैमरा डेड था और मैं नहीं चाह रहा था कि खराब क्वालिटी में कोई अच्छी चीज़ तुम्हें दिखाई जाए, तो मॉर्निंग में अपन केवल ये केवल ब्लॉग शूट करने के लिए पूरा माल रोड फिर से आएंगे, मॉर्निंग में शूट करूँगा। इट्स टाइम टू हैव फूड एंड रेस्टोरेंट के अंदर, यार मैं ज़्यादा तेज बात नहीं करूँगा, सो ज़्यादा तेज बात ना करते हुए अभी यार खाना खाते हैं, भूख लग रही बहुत बुरी देखिए, पूरे दिन में पूरा दिन हो गया कुछ नहीं खाया है। और डिनर में क्या क्या है, मैं ये मटर पनीर रोटी नान, सिंपल है यार। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू गिव द लाइक टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको ऐसे ही मजेदार मजे दिलवाएगी, सो सी यू सून, बाय।